हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग। आज हम काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं। हम एक राइड पे जा रहे हैं, लगभग 100 किलोमीटर वन साइड की राइडिंग है। तो ये राइडिंग महाराष्ट्र तक हमारा डेस्टिनेशन है। जो जिस जगह पे हमको जाना है वो महाराष्ट्र में पड़ता है डेस्टिनेशन। तो हमारी आज की राइडिंग वहाँ के लिए ही है। हम दो लोग हैं, हमारे साथ मिस्टर अभिजीत हैं, हमारे पिलियन राइडर, और हम रास्ते में हमको एक आदमी और ज्वाइन करेगा, उसको वो हमको लगभग यहाँ से खानवेल में ज्वाइन करेगा। लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर के बाद वो आदमी हमको ज्वाइन करने वाला है। फिर मिलते हैं राइड पे बाइक पे। गाइस, हम निकल लिए हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, अपने राइडिंग पे जहां मुझे जाना है। और जिस डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं महाराष्ट्र में, उस जगह को पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। कोविड का भी टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा मुझे कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें क्या, हर आदमी को कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। बारिश अगर आई तो हमको कैमरा निकाल के रखना पड़ेगा अंदर के साइड। ऐसे तो अभी इतना ज़्यादा बारिश नहीं है और हमने पूरा सेफ्टी भी किया हुआ है। तो थोड़ा सा फ्यूल ले लेते हैं। जय भोले बाबा शंकर। पॉज कर दो, पेट्रोल भरा लिए हैं, फ्यूल टंकी पूरा फुल करा लिए हैं, बस बारिश ना हो। ट्रिप को भी जीरो कर दिया है मैंने, देखते हैं आगे कैसा मौसम रहता है उसके हिसाब से। आ गए हम दमन बॉर्डर, ये दमन का चेक पोस्ट है, इसके बाद गुजरात। यात्रा मंगलमय हो। अभी हम आ गए गुजरात में। गुजरात में ये है, प्लेस का नाम है वापी, एक वापी सिटी है। बस भाई बारिश ना हो गाड़ी में, नहीं तो कैमरा अंदर रखना पड़ेगा और हम लोग को पहनने पड़ेंगे रेन कोट और रुकना पड़ेगा। अभी हम लोग सिलवासा, यहाँ से 20 किलोमीटर है सिलवासा। राइडिंग के लिए तो मौसम बहुत बढ़िया है, अरे राइडिंग के लिए मौसम बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, जब तक बारिश शुरू हो जाए तभी रुकेंगे। ट्रैफिक में थोड़ा गाड़ी बहुत बचा के चलाना चाहिए आराम से, कोई गाय नहीं है, अपने पास पूरा दिन है। सांड बाबा साइड हो जाएगा करो। मैं अभी एक लॉन्ग राइड करने वाला हूँ कुछ दिन में, जाने वाला हूँ दमन टू अयोध्या। बारिश शुरू हो गई है, मुझे रुकना पड़ेगा, अरे भीग जाएगा कैमरा, हो जाएगा रेन कोट पहन लेते हैं, समझे। रेनकोट निकालो, पहन लेते हैं। देखो
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव आपका प्रशासन ये हम एंटर कर रहे हैं दादरा नगर हवेली में। अब हम आ गए पता है गुजरात क्रॉस करके दादरा नगर हवेली संघ प्रदेश जी अभी दमन में विलय हो चुका है जिसका। अभी बारिश का मानसून तो लग नहीं रहा है तो शायद कैमरा निकालने की जरूरत नहीं। काफ़ी टाइम के बाद इतना समय मिला थोड़ा सा कि चलो एक दिन कहीं बाहर घूम के आते हैं, थोड़ी राइड भी हो जाएगी और थोड़ा चिल भी कर लेंगे आराम से। लगभग आप समझ लो मार्च अप्रैल मई जून तो वो 4 महीने के बाद छुट्टी लिया हूँ आज काम से। बीच में कोविड की वजह से लॉकडाउन भी था थोड़ा खुला और हम भी बिजी थे काम में तो आज छुट्टी मिला तो भाई चलो निकल लो। लेकिन मुझे 10 दिन का राइड करना है, 10 दिन का एक राइड करना है लॉन्ग राइड दूर कहीं आराम से पूरा दिन गाड़ी चलाने का और शाम को आराम मस्त। बहुत सारे कई डेस्टिनेशन है जो मुझको घूमना है कवर करना है। ये हमारे लेफ्ट साइड में देखिए दादरा नगर हवेली का दादरा गार्डन है, बहुत अच्छा गार्डन है, यहाँ बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती है। हमारे लेफ्ट साइड में मधुबन डैम है, ये डैम से पानी पूरा सप्लाई होता है दमन सिलवासा और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में जाता है। और अभी इतनी बारिश रही होगी नहीं तो ये पूरा नदी भरा रहता था पानी से लबालब, इसलिए डैम ने पानी ही नहीं छोड़ा है क्योंकि पानी अभी बारिश हुई नहीं इतनी खास, बारिश बहुत कम हुई है टाइम है बारिश का। तो मेरे लेफ्ट साइड में लायन सफारी के लिए रास्ता जाता है यहाँ से 2 किलोमीटर है, पिछले ब्लॉग में भी आज बताया था मैंने। सही पूछिए तो राइडिंग के लिए यही मौसम सही है बारिश का, ना तो गर्मी होती है ना धूप होता है। हाँ कभी कभी बारिश आती है तो थोड़ा दिक्कत होता है उसमें, हमको बीच बीच में रेनकोट वगैरह रखिए कोई दिक्कत नहीं आराम से, और राइडिंग करने निकले तो इंजॉय करने निकले आराम आराम से चलते रहिए, कोई गाय नहीं कुछ भी नहीं। यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चालू होता है, डियर पार्क फुली क्लोज है पूरा बंद कर दिया है। मेरे लेफ्ट साइड में डियर पार्क है पूरा क्लोज कर दिया गया है कोविड की वजह से और ऊपर से बारिश में बंद कर देते हैं। गाइस अभी हम खड़े हैं ग्रीन वैली रिसोर्ट में, अब हम तैयार हो गए हैं, मिस्टर अमित भी आ रहे हैं तो हम लोग जाएंगे जवार। जवार यहाँ से कुछ 30-35 किलोमीटर से वहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स वगैरह है जो देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं और शाम तक वहाँ से वापस आएंगे। अभी कुछ बज रहे हैं 12:30, वहाँ से रिटर्न शाम को आएंगे और स्टे करेंगे यहाँ खानवेल में, फिर कल सुबह निकलेंगे दमन के लिए। इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये है ग्रीन वैली रिसोर्ट जो खानवेल में है, बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है। अगर आप लोगों को आना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा इसका मोबाइल नंबर और इसका वेबसाइट लिंक भी, तो जिस पे आप लोग कांटेक्ट करके इस रिसोर्ट में आ सकते हैं। और लगभग 30 रूम्स हैं इस प्रॉपर्टी में, काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है और वेल मैनेजमेंट, फूड वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो ये मिस्टर अमित आ गए हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं जवार तक, इन्हीं के लिए तो हम यहाँ पे आए थे और ये यहाँ के ग्रीन वैली रिसोर्ट के मैनेजर भी हैं। इनका मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ आना है तो।
पूरा मतलब क्या पहाड़ी है ना एरिया, देखिए प्रकृति कितनी खूबसूरत है। हंसी वादियां कहां आ गए, गोइंग टू डाउन साइड। फुल एडवेंचर। एकदम जंगल है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कैसा रिस्क है, अगर किसी की मुर्गी उर्गी मर गई 500 मुर्गी के 5000 देना पड़ेगा भैया। क्या नेचर है भैया, देखो इसको बोलते हैं प्रकृति। वाओ अंकल देखो यहीं रहते हैं, रोज ऊपर नीचे आते जाते हैं, पेट एकदम कम हो गया है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा है जगह जगह, जंगली सांप वगैरह हो सकते हैं। चलते चलते क्लिक करते रहो ना। गाइज हम खड़े हैं अभी यहाँ पे दाभोसा वाटरफॉल, लगभग इसकी हाइट होगी 300 फीट नीचे से, और ये है दाभोसा जवार तहसील है जो पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। आप मेरे पीछे देखिए कितना खूबसूरत नेचर है, और ये देखिए ये वाटरफॉल बहुत ही फेमस है, दाभोसा वाटरफॉल। आप देखिए मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत। अभी थोड़ा बारिश कम हुआ है इसकी वजह से पानी थोड़ा कम है, नहीं तो ये वाटरफॉल देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। अब देखिए कितना खूबसूरत नेचर है यहाँ का, मैं आप देखिए इसकी डीप दिख रही है आपको, गहराई बहुत है, और ये प्रकृति कितनी खूबसूरत है इस मौसम में। इस मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं, लेकिन कोविड की वजह से अभी थोड़ा बहुत कम हो गए हैं पर्यटक का आना, और बारिश कम हुई है जिसकी वजह से वाटरफॉल पे पानी भी बहुत कम है, लेकिन ये काफ़ी फेमस वाटरफॉल है। आप देखिए लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वहाँ से आ रहा है, वाह वेरी नाइस। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये बादलों का काली घनघोर बादल हमारे पीछे एकदम मेरे सर पे है, मैं आपको बता नहीं सकता, बादल तो नीचे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, रियली You are enjoying this point. Guys, ये जो जगह है हनुमान पॉइंट जवार में पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ आके आपको एकदम शिमला हिमाचल प्रदेश जैसा फीलिंग आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा आसमान नीचे आ गया एकदम, और ये मानसून में तो औसम, क्या बोलूँ मैं अभी, कितना खूबसूरत नज़ारा है कि मैं
आप लोग यहाँ आइए, मैं यहाँ का डिटेल डाल दूँगा, लिंक्स वगैरह, आप लोग यहाँ आइए ज़रूर एक बार। जैसे कि फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, अभी लगभग 6 बज चुके हैं और हम लोग देखिए घूम के आ गए और लाइट भी चली गई है। अभी जस्ट हम लोग ये पहुँचे, होटल के रूम में आ गए हैं और ये बालकनी में है। जस्ट अभी हम लोग होटल के रूम पे पहुँच गए हैं, अभी कपड़े चेंज करें, बारिश में थोड़ा बहुत भीग गया है, रेनकोट तो था हमारे पास फिर भी भीग गया है। अब तैयारी है, चल रहे हैं थोड़ा, हम लोग स्विमिंग पूल में इंजॉय करेंगे, थोड़ी देर स्विमिंग पूल में नहाएंगे, मज़ा करेंगे, फिर रात का डिनर करेंगे, स्टे करें, आज यहीं पे स्टे करेंगे, कल रिटर्न वापस दमन सुबह जाएंगे। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब बखैर, नमस्कार, जय श्री राम।